पुरी देर से आधे घंटे से ठीक सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरी वन ऑफ यूल गुड आफ्टरनून ऑल माई वर्चुअल स्टूडेंट्स ऑल्सो तो आप में से कितने लोग डायरेक्ट एंट्री से एक बार बता सकते हो आप लोग डायरेक्ट एंट्री एंड वर्चुअल किड्स वोट अबाउट यू ऑल हाउ हार्मनी ऑफ यू ऑल फ्रॉम डायरेक्ट एंट्री और जो लोग फाउंडेशन से थे आप लोगों का फाउंडेशन का पेपर कैसा था ऑल फोर पेपर्स वो गुड आई थिंक पेपर अच्छे हो गए इसीलिए आप लोग सोचे कि प्री रिजल्ट बैट जो है उसको हम ज्वाइन कर लेते हैं है ना तो पहली बात तो <laughs> हेलो हेलो जी हेलो हेलो चेक चेक हाँ अब ठीक बेटा आवाज नहीं आ रही थी वही अच्छा था <laughs> नहीं तो आपके कालों में से खून आ जाता था एम सो सॉरी हां तो मैं यही कह रही थी आवाज एक बार सही है ना एक बार चेक कर लो फेस टू फेस के लिए तो ठीक है आई थिंक वर्चुअल स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक ही रहेगा आई एम रियली वेरी सॉरी इंद्रा ईयरफोन्स लगाए थे आई कैन टोटली थी आपके कालों में से खून आ रहा होगा बट ये पता नहीं मेर, मेरा माइक तो इधर ही था अचानक से ही पता नहीं क्या सिस्टम okay, तो दूसरे ही लेके आ जा so, मैं ये कह रही थी एक तो पहली बात आप लोगों ने ये कोर्स की शुरुआत जो है करी है इवन बिफोर योर थिंक स्टार्टिंग द जर्नी early is going to give you really good results at the end. Why is that so? आज के बाद आपकी जिंदगी में एक ही चीज की कमी रहने वाली है and that is going to be समय की कमी एज ए सी ये इंटर स्टूडेंट्स ये फाइनल स्टूडेंट्स ये बनने के बाद भी आपके पास नाम पैसा दौलत सब कुछ हो जाएगा बट एक ही चीज़ की कमी होगी एंड दैट इज़ वक्त की कमी बट फॉर्चुनेटली आप लोगों ने रिजल्ट आने के पहले ही बैच को शुरू कर दिया है जिसके वजह से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी पहले ही हो जाएगी जिसकी वजह से एक तो प्रेपरेटली लीव में आपको बहुत ज़्यादा समय मिलेगा एंड सेकेंड जितना समय आपको प्रेपरेटली लीव में मिलेगा वो समय आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर गिविंग टेस्ट मल्टीपल रिविजन एंड ऑल्सो फॉर राइटिंग प्रैक्टिस टूअर्ज दी एंड तो इससे क्या हो जाएगा जितने रिविजन आप करोगे उतनी प्रोबेबिलिटी आपकी क्लियर होने की बढ़ जाती है आप कोई भी रैंकर आप उसका इंटरव्यू उठा लो यूट्यूब आपके पास खुला है सो मच ऑफ नॉलेज यू हैव कोई भी रैंकर का इंटरव्यू अगर आप सुनते हो आप उसका सिर्फ ये सवाल का जवाब सुनना कि उसने कितनी बार रिविजन लिए हैं मतलब हर एक सब्जेक्ट को रैंकर ने कम से कम छह से सात बार रिवाइज किया है और उसके बाद ही वो पेपर देने गया है अब सिक्स टू सेवन टाइम्स रिवाइज करना तभी पॉसिबल होता है जब आपकी क्लासेस के साथ साथ ही लर्निंग हो चुकी है अगर आप क्लास करते हो उसके बाद आप सोचते हो उसके बाद में लर्निंग करना चालू करेगा तो तब तक तो आपका ही आ जाता है क्योंकि इंटर में सिलेबस इज लाइक रियली वास्ट एक तो आप लोगों को छह पेपर्स है हर छह पेपर में यू नो देर इज लॉट ऑफ थ्योरी दैट यू नीड टू लर्न तो कहने के लिए अकाउंट प्रैक्टिकल पेपर है बट आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो थ्योरी है लॉ तो पूरा थियोरी है ऑडिट पूरा थ्योरी है उसके बाद एस एम पूरा थियोरी है टैक्स भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है जीएसटी पूरा थियोरी ओनली तो ये सब्जेक्ट में बहुत मेहनत होती है आप लोगों ने फाउंडेशन में देखा ही होगा इकोनॉमिक्स एक साइड पे है और लॉ जो है एकदम टोटल अपोजिट साइड पे है मतलब इकोनॉमिक्स में जो आपने मेहनत दी थी उसका टू आइस थ्री आइस मेहनत के आपने लॉ के पेपर के लिए किया होगा और जब आप रिजल्ट देखोगे आप वो देखोगे कि कम मेहनत इकोनॉमिक्स में करते हुए मार्क्स उसमें ज्यादा मिले जबकि लॉ में ज्यादा मेहनत करके आपको मार्क्स उतने नहीं मिले जितने आपने मेहनत की थी तो वैसी वो बात होती है इंटर में थिंग्स आर वर्स्ट सारे पेपर्स लॉ जैसे हैं तो आप जितनी भी मेहनत करोगे उतना कम ही होने वाला है बट फॉर्चुनेटली थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट फॉर यू ऑल द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर यू गेट द एंड रिजल्ट जैसे कहते हैं ना दैट अ गुड स्टार्ट इज ऑलरेडी हाफ वन द बैटल वैसी वो बात हुई है सो दैट्स रियली वेरी नाइस एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट योर मेंटैलिटी योर एटीट्यूड टूवर्ड्स कॉन्स्टेंटली लर्निंग एंड अदरवाइज विच भी वैसे भी घर पे बैठे बैठे आप टाइम पास ही कर रहे हो और कुछ गलत ना करते हुए आप लोगों ने ये चूज किया है कि हम लोग जो है हम लोग क्या करेंगे आगे वाले स्टेज के लिए प्रिपरेशन करना चालू कर देंगे सो दैट्स रियली वेरी गुड एंड आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ एवरी वन ऑफ यू ऑल सिटिंग योर फेस टू फेस एंड ऑल दीज लवली लवली वर्चुअल स्टूडेंट्स आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ एवरी वन ऑफ यूल ठीक है अब आप लोग मेरे साथ क्या क्या करने वाले हो और इस सब्जेक्ट में क्या सारी चीजें होने वाली उस बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर हम लोग टॉपिक की शुरुआत करेंगे तो uh, मेरा जो पेपर है दैट इज गोइंग टू बी पेपर नंबर टू ठीक है तो uh, ये आपको पता है ग्रुप वन ग्रुप टू में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपको इंट्रोडक्शन मिल गया है ना तो देखो ग्रुप वन में तीन पेपर होते हैं जिसमें से आपका पेपर नंबर टू जो रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ लॉ और इसी सब्जेक्ट का नाम जो है अगर आप देखोगे द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस एंड दिस पेपर इज गोइंग टू बी ऑफ कंप्लीट हंड्रेड मार्क्स पूरे सौ मार्क का ये पेपर रहने वाला है बट सौ मार्क के पेपर में से सेवेंटी मार्क्स इज गोइंग टू बी सब्जेक्टिव एंड थर्टी मार्क्स इज गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव तो जो चीज इंस्टीट्यूट ने आपसे फाउंडेशन में लॉ के पेपर में छीन ली थी फॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट ने इंटर में वो आपको दे दी है और इंटर में सिर्फ लॉ नहीं इनफैक्ट सारे छह पेपर जो है उसमें तीस तीस मार्क्स के आपको पूछे जाने वाले हैं एमसीक्यूज एमसीक्यूज तो आप लोग जानते हो ना जो मैथ्स और इकोनॉमिक्स में था एक सवाल चार गोले सही गोला लगा तो बिंगो नहीं तो फिर टिंगो और छह महीने बाद वापस से अटेम्प्ट दे दो वैसी वो बात है सो यस यू ऑल विल हैव थर्टी मार्क्स ऑफ एमसीक्यू इवन इन दिस पेपर ऑफ लॉ बट ऑफकोर्स यस थर्टी मार्क्स का इज नॉट गोइंग टू बी वन लाइनर एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट कुछ ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री मार्क्स के वन लाइनर एमसीक्यू पूछता है और बाकी जो एमसीक्यूज होते हैं आठ नौ मार्क्स के दोज आर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज सो इज अग केस दैट इज गिवन और उसी केस से रिलेटेड दो दो मार्क के क्वेश्चन रहते हैं जो नीचे पूछे जाते हैं बट आई थिंक कॉन्सेप्चुअली अगर आप क्लियर हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इवन इन सॉल्विंग दो एमसीक्यू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ओके तो आपका अप्रोच कैसा है और कैसे आप पढ़ने वाले हो इज ऑल्सो गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस इन सी ए इंटर क्योंकि फाउंडेशन से इंटर का जम इज नॉट ऐसा 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 स्टेप बाय स्टेप नहीं इट्स लाइक डायरेक्टली अ बिग जंप हाँ यहां पे चीजें डिफिकल्ट रहेगी बट यहाँ पे अगर आपने ये डिफिकल्ट स्टेज पार कर लिया सी इंटर उतना ही इंटर के बाद सीए फाइनल आपके लिए उतना ही आसान रहेगा तो यहाँ पे आई थिंक इज द क्रिस्टलाइजेशन फेज जैसे कि जब एक बटरफ्लाई बनता है ओके बटरफ्लाई डिरेक्टली बटरफ्लाई की तरह पैदा नहीं होता है अर्लियर इट इज अ स्मॉल वर्म और वो एक अपने ककून में रहता है बट ये ककून से बाहर निकलने का उसका जो स्ट्रगल है बहुत चैलेंजिंग होता है आपने कभी देखा है वो तो uh, बहुत डिफिकल्ट होता है वो अपने आप से लड़ रहा है और वो ककून से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है बट उसका ये जो स्ट्रगल है इवेंचुअली एक बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट पैदा करता है एंड देन व्हाट वी इवेंचुअली सी इज दैट ब्यूटीफुल बटरफ्लाई आप एग्जैक्टली exactly उस फेज में हो आपकी जिंदगी के वो बेचारा छोटा सा कीड़ा जो एक ककून में आप बंधा हुआ है और आप लड़ रहे हो झगड़ रहे हो बहुत सारी चीजों से आप स्ट्रगल करोगे बट बिलीव मी आई नो यू आर गोइंग टू फाइट विथ एंड यू आर गोइंग टू स्ट्रगल विथ अ लॉट ऑफ थिंग्स बट अगर आपने इस चीज को पार कर लिया इवेंचुअली जो रिजल्ट आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल तो अगर कभी आपको आज नहीं मे बी आपको बाद में कभी भी जिंदगी में ऐसा लगेगा सी ए इंटर में दैट दई वो गिव अप कुछ नहीं हो पाएगा अब बस खत्म तो दैट इज एग्जैक्टली द टाइम वेन यू आर नॉट सपोज टू गिव अप सिर्फ इतनी चीज आप याद रखना जो मैंने आज डे वन पे कहा है आपकी जिंदगी निखर जाएगी जब आपको कभी भी ऐसे लगे दैट आई टू गिव अप दैट शुड एग्जैक्टली बी द टाइम दैट यू शुड नॉट बी गिविंग अप उस टेम्पररी फेस को आपने पार कर दिया बाद में बिलीव मी वो अंदर से मोटिवेशन आता है फिर बाद में किसी और को बाहर से मोटिवेशन देने की या आपको मोटिवेशन बाहर से सीख करने की भी जरूरत नहीं रहेगी देन यू नो कि आपने कितने कुछ स्ट्रगल्स ऑलरेडी पार कर दिए अब थोड़े सी के लिए मैं क्यों छोड़ू ये आवाज आपको कोई और नहीं देगा यह आवाज आपको अंदर से आएगी तो ये सिर्फ इंटर नहीं इनफैक्ट जिंदगी में कभी भी आपको ऐसी ये चीज लगे तो प्लीज जस्ट रिमेंबर दीज वर्ड्स दैट आई टोल्ड यू टूडे आपकी जिंदगी बहुत सुधर जाएगी एंड uh, मजा आ जाएगा फिर आपको जिंदगी में यू विल इन्जॉय एवरी थिंग दैट यू आर डूइंग वेदर इट इज गुड बैड अगली यू विल बी एबल टू ओवरकम दैट फेज एंड यू विल बी एबल टू इन्जॉय वॉट इज इवेंचुअली द एंड रिजल्ट तो वो चीज़ और वो एटीट्यूड बहुत इम्पॉर्टेंट है ठीक है uh, तो यस uh, मैं वही कह रही थी कि थिंग्स विल बी डिफिकल्ट बट आई थिंक इट इज मैनेजेबल प्रोवाइडेड आपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल किया है तो फिर सब कुछ जो है वो पॉसिबल हो जाएगा आप लोगों का अटेम्प्ट वैसे भी मे 2025 में है है ना मे 2025 या तो फिर सितंबर जो भी है इज इट के लिए प्लान कर रहे हो आप लोग राइट तो यू ऑल हैव गुड इनफ टाइम विथ ऑल बट अगर आप बहाने ढूंढोगे तो आपको बहुत बहाने मिलने वाले हैं क्योंकि ये वाली बैच वो वाली बैच है जहाँ पे इंडिया में फेस्टिवल्स ही फेस्टिवल्स होते हैं मतलब गणेश उत्सव आएगा फिर नवरात्रि आएगी फिर दिवाली आएगी फिर क्रिसमस आएगा फिर न्यू ईयर आएगा फिर संक्रांति आएगी तो मतलब फेस्टिवल्स ही फेस्टिवल्स हैं तो अगर बहाने ढूंढने जाओ तो आप लोगों को सौ बहाने मिल जाएंगे बट अगर कमिटमेंट की बात आती है तो आई थिंक एक वो रीजन काफ़ी है वाई यू शुड नॉट बी डूइंग ऑल दिस एंड नॉट सेलिब्रेटिंग ऑल दिस थिंग्स एंड वाई यू शुड बी फोकसिंग ऑन योर एग्जामिनेशन एंड दैट वुड बी वन सफिशेंट रीजन फॉर यू टू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। वैसे आप कहोगे मैम अटैम्प तो साल में तीन बार आता है बट फेस्टिवल तो एक ही बार आता है तो आई थिंक मैम वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट <laughs> है बट हम चाहते हैं कि आपके अटैम्प बार बार ना आए एक ही बार आए तो दैट द थिंग आपको क्या दिवाली तो हर साल ही आप मना सकते हैं हम तो चाहेंगे कि आप जो है अटेम्प्ट हर तीन चार महीने में ना मनाओ एंड वाई इज दैट बिकॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट जेन्यूनली मतलब वही चीज वापस से पढ़ना और वो फीलिंग्स को ओवरकम करना इज वेरी डिफिकल्ट तो पहली बार में जो आपने कर दिया आई थिंक दूसरी तीसरी चौथी पांचवी मतलब वहां तक तो जाना ही नहीं चाहिए उस वक्त नहीं हो सकता है तो जितना आप कर सकते हो दिन रात एक करके आप मेहनत करो यही आपके दिन है मेहनत करने के बाद में कोई नहीं आपको बोलने वाला है तो आप कर लो एंड गेट अ गुड रिजल्ट यू विल जेन्युनली फील गुड अबाउट योर आपको खुद को इतना अच्छा लगेगा अपने लिए किसी और के लिए नहीं आज तक आपने कुछ भी हासिल नहीं किया अभी तो क्या हो आप लोग सिर्फ ट्वेल्थ पास हो या जो लोग डायरेक्ट एंट्री से आप लोगों ने बीकॉम मतलब सॉरी बीकॉम <laughs> का ही कोर्स किया है ओके सो भावना समझ गए आप लोगों को सो ट्राई टू अंडरस्टैंड यू आर नो बड़ी राइट नाउ बट दैट फीलिंग दैट यू गेट आफ्टर क्लियरिंग सीए इंटर इज फंटेस्टिक एंड बिलीव मी जो बाकी की जनता भी है जब देखती है आपको दैट यू हैव इंटर उनका भी एटीट्यूड चेंज हो जाता है भले ही आप सीए नहीं बने हो बट इंटर क्लियर हो गए ना उनको ये समझ में आ जाता है फाइनल क्लियर करना तो फॉर्मैलिटी की बात है बिकॉज वो क्रिस्टलाइजेशन आपका ऑलरेडी हो चुका है इन सी इंटर ओके तो आई नो थिंग्स आर गुड आफ्टर एंडिंग दिस प्रोसेस बट ऑफकोर्स दिस प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक बट डोंट वरी आई विल ऑलवेज बी देर विथ यू एज अ टीचर एज अ फिलोसफर एज अ गाइड एज अ एल्डर फ्रेंड आपको जो मुझे कहना है आप कह सकते हो दैट ओके विथ मी

और वो आपको गलत राह बता देगा रास्ता बता देगा भटका देगा उससे तो बेटर है दैट यू कैन ऑलवेज कम टू मी एंड यू कैन शेयर वट एवर यू फील दैट यू आर कम्फर्टेबल विद इट ओके मैं अपने साइड से कभी मना नहीं करूँगी ऑफकोर्स मैं जाके पूछूंगी नहीं आप बट अगर मेरे पास आते हो तो फिर मेरे साइड से आपको सही गाइडेंस मिलेगा दिस इज मेरी पक्की गारंटी चाहे वो अकेडमिक्स भी है या नॉन अकेडमिक्स भी अगर आपको लगता है आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड गाइड यू ठीक है आ जाते हैं चलो सब्जेक्ट की ओर आ जाते हैं ये अगर आप सब्जेक्ट देखते हो तो ये सब्जेक्ट के दो हिस्से हैं, जैसे आपका नाम ही कहता है सब्जेक्ट का कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज कॉर्पोरेट लॉ में आप लोगों को दो एक्ट्स है जो आपको करने रहेगी पहली एक्ट जो आप लोग जानते हो इज द कंपनीज एक्ट 2013। और ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको बस पहले 148 सेक्शंस करने हैं और 148 सेक्शंस के साथ-साथ देयर इज वन मोर चैप्टर दैट हैज बीन एडेड एंड दैट इज रिलेटिंग टू फॉरेन कंपनीज जो शुरू होता है 379 एंड इट गोज अप टू 393 तो आप समझ लो लगभग आपको 160 बस सिर्फ और सिर्फ 160 सेक्शन करने हैं एक एक्ट में एंड दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013 आप कहोगे मैम 160 और आप कह रहे हो सिर्फ और सिर्फ, और सिर्फ और 160 मतलब तो क्या मजाक कर रहे हो क्या मैम फाउंडेशन में 20 सेक्शन करते करते दम निकल गया कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है खत्म ही नहीं हो रहा खत्म ही नहीं हो 160 सिर्फ है क्योंकि पूरी की पूरी कंपनी ऑफ 470 सेक्शंस तो 470 सेक्शन में से आप लोगों को करने हैं सिर्फ और सिर्फ 160 सेक्शंस इन सी ए इंटरमीडिएट बट यस कॉर्पोरेट लॉ के साथ साथ कॉर्पोरेट लॉ में कंपनीज एक्ट के साथ साथ आप लोगों को और एक एक्ट करना है विच इज द एल एक्ट तो आप लोगों ने सोचा होगा एलएलपी एक्ट फाउंडेशन में छोड़ दिया हाँ ये जो मुस्कुराते हुए चेहरे हैं ना उसी से समझ में आ रहा है बट एलएलपी एक्ट ने आपका छुटकारा मतलब आपको नहीं छोड़ा है वो पीछे 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 भागते है, भागते है। आ गई है इवन इन सीए इंटरमीडिएट एंड इनफैक्ट फाउंडेशन में आपने जो एलएलपी में पढ़ा है वो तो बस हल्की सी झलक थी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त सीए इंटर में एलएलपी में आप लोगों को एवरी कॉन्सेप्ट है राइट फ्रॉम फीचर्स इन कॉरपोरेशन टू वाइंडिंग अप मतलब आप समझ ही सकते हो फीचर्स इन कॉरपोरेशन वाइंडिंग एन एंड टू एंड थिंग विच यू विल बी हैविंग इन सी ए इंटरमीडिएट अंडर द एल एल पी एक्ट ओके तो यहां पे आप एल एल पी एक्ट को ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते एंड कॉर्पोरेट लॉ इज फॉर सेवेंटी मार्क्स कॉर्पोरेट लॉ जिसमें दो एक्ट्स है कंपनीज एक्ट एंड एल एल पी एक्ट और ये सेवेंटी मार्क्स में से टेन टू ट्वेल्व मार्क्स का वेटेज जो है एल एल पी को है. तो आप एल एल पी एक्ट को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते एंड अलोंग विथ कॉरपोरेट लॉ यू ऑल्सो हैव अदर लॉज और अदर लॉज में आप लोगों को तीन एक्ट है स्टार्टिंग विथ फर्स्ट इज फेमा द फॉरिन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट सेकेंड इज द जनरल क्लॉजेज एक्ट नजर आ रहा है आप लोगों को एंड द थर्ड इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट तो ऐसे तीन एक्ट आप लोगों को अदर लॉज में है रफली आठ दस मार्क आठ दस मार्क आठ दस मार्क के इंडिविजुअली ये तीनों भी एक्ट का वेटेज होता है तो ऐसे, ऐसे करके तीस मार्क आपका अदर लॉज है और सेवेंटी मार्क्स आपका कॉर्पोरेट लॉ है दिस एल एल पी एक्ट ऑल्सो इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ ओनली तो कॉर्पोरेट लॉ सेवेंटी मार्क्स एंड अदर लॉस इज थर्टी मार्क्स बट फिर यह सौ मार्क अगर आप देखते हो सौ में सेवेंटी इज सब्जेक्टिव एंड थर्टी मार्क्स इज दैट जय माता दी दैट गोला गोला फोर्चुनेटली देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द एमसीक्यूज सो दैट्स अ गुड थिंग पूरे थर्टी मार्क्स के एमसीक्यूज आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं नहीं भी आया तो वही है जय माता दी क्योंकि द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ मार्क्स इज जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मार्क इज वन मार्क वक्त इज नो रिस्क सो इट शुड बी अटेम्प्टेड ऑल 30 मार्क्स के एमसीक्यूज़ शुड बी अटेम्प्टेड हां कोर्स प्रोविजो दैट देर इज नो अमेंडमेंट दैट द इंस्टीट्यूट इज नोटिफाइंग के आपके अटेम्प तक अगर नेगेटिव मार्किंग आ गया वी नेवर नो अभी तक तो देर इज नो नेगेटिव मार्किंग क्योंकि अभी और एक अटेम्प्ट आने वाला है ना सितंबर अटेम्प्ट प्लस जनवरी अटेम्प्ट फिर आप लोगों का मे का अटैम्प्ट मतलब दो अटैम्प्ट आने हैं अभी तो सितंबर का आएगा जनवरी का आएगा और फिर आप लोगों का मई 2025 वाला अटेम्प्ट है उस अटेम्प्ट तक अगर इंस्टीट्यूट ने जो स्प्रे टू गॉड के कोई नेगेटिव मार्किंग ना आए तो फिर आप लोगों के मजे ही मजे है एंड देन

86 सिक्स मार्क्स सो दैट इज पॉसिबल प्रोवाइडेड यू आर फॉलोइंग ऑल द थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू इन क्लास ठीक है आपने नोटबुक से कुछ लाई है आज इतना से भी लिख लेते हो पेपर के बारे में उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं लिख लीजिए वर्चुअल किड्स, आप लोग भी लिख सकते हो हाँ बेटा सेम एलएलपी एक्ट है आशुतोष इज सेम एलएलपी एक्ट अभी कौन सी नई एक्ट थोड़ी ना होगी वही एलएलपी एक्ट है बट उसके आगे की बातें आप लोगों को इंटर में सिखाई जाएगी फाउंडेशन में तो क्या था एल एल पी पार्टनरशिप का डिफरेंस एल एल पी कंपनी का डिफरेंस एल एल पी के फीचर्स थे और कुछ छोटे मोटे सेक्शंस थे ना ज्यादा कुछ नहीं था आप लोगों को इंटर में है अच्छी अमेलगोमेशन कॉम्प्रोमाइज ये सब भी है आप लोगों को एल एल पी का इन सीए इंटर मज्जा नहीं लाइफ <laughs> मज्जा मतलब सर्कैस्टिकली मज्जा गुजराती में बोलते ना मज्जा लाइफ बट इट इज फन इन सी ए इंटर आपको ऐसा लगेगा हम सी ए कर रहे हैं यू विल एंजॉय द जर्नी एंड थ्री सेवेंटी नाइन टू थ्री नाइनटी थ्री ए कॉर्पोरेट लॉ में एल एल पी को भी आयर दे दो मैं दे देती हूँ उधर क्योंकि वेटेज वाइज इंस्टीट्यूट ने सिर्फ इतना बोला है कॉर्पोरेट लॉ सेवेंटी मार्क्स एंड अदर लॉस थर्टी मार्क्स उतना ही बोला इंस्टीट्यूट ने यह जो मैंने आपको वेटेज का अंदाज दिया ना देट वॉज अकॉर्डिंग टू मेकअप पेपर अभी एक नए कोर्स का पेपर हो चुका है ना उसके हिसाब से मैंने आपको बताया टेंटिटिवली क्या आपका वेटेज होगा और कुछ है जो नहीं समझ में आ रहे दिख रहा नहीं है क्या uh, वर्चुअल किड्स हो गया क्या आपका लिख के एक बार बता दो ना मुझे कॉर्पोरेट लॉ इज सेवेंटी मार्क्स वो लिख लेना आप और अदर लॉस इज फॉर थर्टी मार्क्स वर्चुअल किड्स वंस वाला डन विद द राइटिंग पार्ट प्लीज लेट मी नो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इंटर में आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप है ही नहीं क्योंकि आप लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पूरा ही हो गया ना फाउंडेशन में आप लोग तो न्यू सिलेबस वाले बच्चे हो ना तो आपको इंडेमिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज एजेंसी सब कुछ आपका फाउंडेशन में ही था तो यू डोंट हैव इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन है इंटर पार्टनरशिप भी पूरा ही था आप लोगों को एलएलपी और कंपनीज और की छोटी छोटी झलक थी वो यहां पे अब काफी कुछ होने वाला है मैं आपको बताती हूं मेरी मतलब बुक्स क्या क्या आप करने वाले हो देखना है क्या कि डर जाओगे और कल से आओगे ही नहीं ऐसा हो जाएगा ये तो गो गो विद द फ्लो के पता करना है आप लोगों की भाई हमारे साथ होने क्या वाला है <laughs> देखो सीए इंटर क्लियर करने का एक तरीका होता है ये तरीका अगर आप लोगों ने समझ लिया सो लेट मी टेल यू क्लियरिंग इन द फर्ट अटेम्प्ट इज नॉट गोन टू बी अर रॉकेट साइंस ये मैं किसी और की बोली हुई बातों से नहीं बोल रही हूं मैं अपनी आप भी बोल रही हूं आई क्लियर फाउंडेशन इंटर एंड फाइनल ऑल द थ्री स्टेजेस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट वाई वॉज दैट आई विल टेल यू बिकॉज आई हैड फॉलोड वन सिंपल फंडा देखो बच्चे क्या गलती करते मैं आपको बताती हूँ दो चीजें एक तो मैंने जो वो फंडा फॉलो किया है वो और पिछले बारह सालों से मतलब दिस इज द थर्टींथ ईयर ऑफ माई टीचिंग करियर ठीक है तो इतने सालों में मैंने देखा है कि बच्चे क्या गलतियां करते हैं एक तो बच्चा क्या करता है उसको लगता है टेंथ क्लियर कर लिया ट्वेल्थ क्लियर कर लिया वो भी अच्छे नाइन्टी नाइन्टी फाइव परसेंट मार्क्स तो फाउंडेशन इंटर फाइनल भी क्लियर कर दोगा बट हेलो बॉयज एंड गर्ल्स ट्वेल्थ क्लियर करना या जो भी बी कॉम क्लियर करना विद गुड नंबर्स एंड फाउंडेशन इंटर और फाइनल क्लियर करना विद गुड नंबर्स में जमीन और आसमान का डिफरेंस है आप बताओ किसी को फाउंडेशन का रिजल्ट आने दो मैं 95 परसेंट से फाउंडेशन पास हुआ सच में ही नहीं है मतलब मुश्किल क्या यह चीज नामुमकिन है आज तक 1949 में आईसीआई एस्टेब्लिश हुआ है कोई भी बच्चा 95 परसेंट से फाउंडेशन क्लियर नहीं हो पाया है। इंटर और फाइनल सोचना भी दूर की बात है वो भी पाप होगा तो पॉसिबिल नहीं है बहुत अलग स्टैंडर्ड्स है हमारे ऑनरेबल आईसीआई के ओके एंड दिस इज जेन्युनली अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी लाइक टेंथ ट्वेल्थ एंड बी कॉम इफ द एग्जामिनेशन इज नॉट लाइक टेंथ ट्वेल्थ एंड बी कॉम आपका पढ़ने का एटीट्यूड और अप्रोच का टेंथ ट्वेल्थ और बी कॉम जैसा हो सकता है सिंपल लॉजिक आप बताओ ये मैथमेटिक्स है अगर आपका पैटर्न वैसा नहीं है आपके एक्सपेक्टेशन वैसे नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आपकी पढ़ाई का तरीका भी सेम रख के कि आपको उतने ही मार्क्स मिलने वाला है फाउंडेशन में या इंटर में जैसे आप टेंथ और ट्वेल्थ में रखते थे अप्रोच नो सो देर इज अ वेरी डिफरेंट अप्रोच दैट यू नीड टू कैरी फॉर एनी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन चाहे वो फाउंडेशन है इंटर है या फाइनल है ये अप्रोच है जो मैंने खुद ने फॉलो किया था अपने लिए एंड बिलीव मी आई गॉट गुड रिजल्ट क्लैरिटी वाई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट आई विल टेल यू आपने कॉन्सेप्ट को अगर समझ लिया उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट के पास सौ तरीके हैं उस सवाल को बनाने के लिए तो ऐसा नहीं है जैसे टेंथ स्टैंडर्ड में अ सेट ऑफ क्वेश्चन से ही ट्वेंटी से सवाल आने वाले हैं। इनफैक्ट हम लोग इंग्लिश पेपर में क्या ऐसे आने वाला है वो भी चार पांच ऐसे लर्न करके जाते थे ऐसा ही होता था और उसमें से एक ऐसे तो आता ही था बस जो लर्न किया है उल्टी कर दो पेपर में वो लिख के आ जाओ ऐसा ही करते थे लिटरेचर था वो इंग्लिश इज लिटरेचर लिटरेचर बेसिकली टेस्ट होता है आपकी क्रिएटिविटी क्या है आपका uh, जो आप पैराग्राफ्स बना रहे हो स्टोरी बना रहे हो या आप ऐसे लिख रहे हो उसमें आपने कितने क्रिएटिवली आपने वो लैंग्वेज को ड्राफ्ट करते वर्ड्स को यूज करते हुए आपने लिखा बट कुछ नहीं था भाई साहब ऐसा बस लर्न करो मगब करो और लिख के आ जाओ और मार्क्स आ जाते हैं ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला आप बोलोगे मैम ट्वेंटी वन मोस्ट लाइकली क्वेश्चन दे दो बेटा ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन आएगा एक भी क्वेश्चन उसमें से नहीं आएगा तो एक सेक्शन के भी इनफैक्ट सौ तरीके सौ क्या वन एक सौ एक तरीके रहेंगे और वही तरीके से नए वाले तरीके से इंस्टीट्यूट जो है आपको एग्जामिनेशन में सवाल पूछने वाला है सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि आपकी पढ़ाई यू नो इट्स नॉट बेस्ड ऑन नंबर्स सौ सम सॉल्व किए सौ क्वेश्चन सॉल्व किए पांच सौ क्वेश्चन सॉल्व किए हजार नहीं इट शुड बी द क्वालिटी दैट शुड मैटर कंसेप्चुअल क्लैरिटी सो अब जब आप लॉ भी पढ़ोगे वॉट इज रिटन इन द लॉ एक बात है बट वाई इट इज रिटेन वो समझना और इंपॉर्टेंट है वॉट का तो जवाब मैं देने वाली हूं बट वाई से हम उसकी शुरुआत करने वाले है. तो वाई जब आपको समझता है ऑटोमेटिकली आपको लॉजिक समझता है वाई दिन टू पिक्चर वाई द सेक्शन के मीन टू पिक्चर एंड वाई वी आर लर्निंग दिस सब्जेक्ट एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल ऑल्सो सी वॉट इज रिटन इन द रिस्पेक्टिव प्रोविजन तो वॉट एंड वाय दोनों हैंड इन हैंड जाने चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सेकेंड चीज जो इंपॉर्टेंट है इज रिविजन एंड नॉट ओनली रिविजन इट इज मल्टीपल रिविजन जितने रिविजन आप करोगे उतने रिविजन इनफैक्ट सी ए की एग्जामिनेशन में कम होते हो जितना आप रिवाइज करते हो उतनी चीजें आपको याद रहती है जितनी चीजें आपको याद रहती है उतनी फिर आप लिख पाते हो एक्चुअली उतनी लिख भी नहीं पाते हो आप सौ चीजें करोगे तो आपको अस्सी चीजें याद रहेगी सिक्सटी परसेंट आप लिख पाते हो और मार्क्स आपको फिफ्टी परसेंट तक मिलते हैं ऐसा वो लॉजिक है।, है तो आपको मल्टीपल रिविजन करने पड़ेंगे, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है चीजों को भूलने की वो कम हो जाए एंड रिविजन कुड़ बी ओरल रिविजन रिटर्न प्रैक्टिस तो रिविजन्स के भी अलग अलग तरीके होते हैं जैसे मेरे क्लास में हम लोग क्यूमुलेटिव रिविजन्स करते हैं हम लोग टेस्ट लेते हैं और आ, इंटर में तो बहुत टेस्ट होने वाले हैं मतलब कम से कम पाँच से सात टेस्ट क्लास के साथ ही होने वाले हैं और प्लस तीन टेस्ट हो गए क्लास के बाद पचास पचास और सौ मार्क के तो इससे क्या होता है एटलीस्ट टेस्ट के बहाने अगर मैंने चार टॉपिक्स रखे आप तीन तो पढ़ोगे तो मेरे लिए तो वही जीत होगी कि अच्छा ठीक है आप चार भी नहीं पढ़ पाए तीन चैप्टर्स तो पढ़ के आपने टेस्ट दिया है ना उतना तो आपने एफर्ट डाला है क्योंकि टारगेट नहीं होता है तो हम बहुत लेजी हो जाते हैं जैसे एग्जामिनेशन के एक दिन पहले आपने लॉ पढ़ा था आपने तब सोचा होगा ऐसा लॉ पांच महीने पढ़ लेता ना रैंक आता रैंक बट क्या आपने ऐसा पांच महीने लॉ पढ़ा है नहीं हम पढ़ते भी नहीं बिकॉज देर इज नो टारगेट बट एग्जामिनेशन के एक दिन पहले वो टारगेट था बाई हुक और क्रुक मेरे को वो पेपर पूरा सौ नंबर का कंप्लीट करना ही है क्योंकि अगले दिन के बाद दो बजे मेरा लॉकअप पेपर है तो प्रेशर में आपने अच्छा परफॉर्म किया सही बात है या नहीं तो प्रेशर होना अच्छी बात है ओके okay, तो हम टेस्ट लेते गए लेते रहेंगे लेते रह गए तीन साढ़े तीन महीने के हमारे बैच में सात टेस्ट तो कम से कम रहेगा फाइव मिनिमम टू सेवन टेस्ट और क्लास के बाद भी तीन टेस्ट हो गए ताकि वो टेंशन के मारे आप ठीक है यार जितना पढ़ सकते हो उतना तो आपने पढ़ा है दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट तो ये रिविजन करने हो गए और रिविजन के साथ साथ उसके बाद इज द राइटिंग प्रैक्टिस ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल गया तो फिर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो बट देखो अब जब मैं कह रही हूं मल्टीपल रिविजन मल्टीपल रिविजन मल्टीपल क्योंकि कंसेप्चुअल कैरिटी तो एक ही बार होती है एक बार आपने समझ लिया कंपनी क्या होती है कंपनी के टाइप्स क्या होता है company, क्यों आया है आप बार बार उस उसमें नहीं जाने वाले हो लॉजिक इज अंडरस्टूड एंड इट इज सॉर्टेड नाउ वॉट इज इंपॉर्टेंट इज द रिविजन बट रिविजन क्या हो जाता है बच्चे ज्यादा बार नहीं कर पाते क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है मतलब फाउंडेशन में लॉ अगर आपका सौ है आप समझ लो इंटर में दो है हंड्रेड परसेंट शिफ्ट है इतना अगर कंटेंट है तो आप इतने रिविजन कैसे कर पाओगे तो उसके लिए हमने क्या करी है ये प्यारी सी चार्टुक बनाई है ठीक है तो ये चार्टुक में अगर आप देखोगे सौ पेजेस में आपका पूरा सौ मार्क्स का जो पेपर है वो कवर हो जाता है एक बार आपने समझ लिया है और लर्न कर दिया है फिर आप समरी से भी करोगे तो भी सॉर्टेड है इस चार्ट बुक को आप कम से कम पांच बार तो पढ़ ही सकते हो क्योंकि आपकी क्लासेस अराउंड जनवरी एंड या फेब फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपके पास फेब में ऑलमोस्ट बीस दिन रहेगा मार्च पूरा महीना है अप्रैल पूरा महीना है और फिर मई में, में आपका पेपर रहेगा तो आप वो ढाई तीन महीने के प्रेपरेटली लीव में कम से कम चार से पांच बार इस चार्ट बुक में से पढ़ ही सकते हो सो दॉट बी इशू ये अगर आपने कर लिया बिलीव मी क्लियरिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्टी ए इंटर नो बीज स्टॉप यू फ्रॉम दैट और ये मैं अपने आपके एक्सपीरियंस से बोल रही हूं यह मैंने फाउंडेशन में भी फॉलो किया था इंटर में भी फॉलो किया था और फाइनल में भी फॉलो किया था और ये चीज को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर आपको पढ़ना है यू हैव टू स्टडी द सब्जेक्ट फ्रॉम द आईसीआई का मॉड्यूल ये मैं आपको बोल रही हूं ये आप ये रेफरेंस बुक वो रेफरेंस बुक ये चीज वो चीज आप करोगे क्या होता है आजकल बच्चा शॉर्टकट के पीछे भागने लग गया है जो उसको भाता है उसको लगता है वही सही है तो उसको लग रहा है कि नहीं यार कहाँ आई सी आई का मॉड्यूल पढ़ेंगे चलो यार ये छोटे से 200 सौ पेजेस की बुक में से पढ़ लेते हैं मार्क्स मिल जाएंगे बट जो चीज आपको इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल इतना नॉलेज दे रहा है वो 200 सौ पेजेस की बुक जो है वो आपको कभी उसकी जस्टिस नहीं दे सकती है Institute, थोड़ी ना बेवकूफ है इंस्टीट्यूट कोई भी कोने में से सवाल आपको उठा के पूछ सकती है बाद में फिर आपको रोना आएगा और वो रोने की कीमत इज गोइंग टू बी मंथ्स नहीं तो सितंबर वो बात हो जाएगी सो डोंट लेट दैट हैपन टू है इसलिए मैंने क्या किया है अपनी जो मेन बुक्स बनाई दिस इज द सेट ऑफ मेन बुक्स तीन मेन बुक्स है इस बार इज ऑल द इंस्टीट्यूट हैज सेट इन इट्स मॉड्यूल सब कुछ आप इसको कंपेयर कर सकते हो आईसीआई के मॉड्यूल के साथ तीन बुक्स रहेगी वॉल्यूम वन ए और वन बी ये दोनों बुक्स इस कंपनीज एक्ट इतना आपको पढ़ना है कंपनीज एक्ट और इसमें आपका है अदर लॉस जिसमें आपका एक्चुअली ये तो सिर्फ कंपनी है फेमा भी है जीसीए भी, भी है और साथ साथ में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूड भी है सब कुछ आपका कवर होता है इन तीन main books में. तो इसका एक रीडिंग तो कंपल्सरी है डिरेक्टली समरी या चार्ट बुक में से करोगे आपकी बैंड बढ़ जाएगी और बाद में फिर आपको ये लेक्चर की याद आएगी दिस इज फॉर रिविजन एंड दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग क्या दोनों में डिफरेंस है हा या ना बहुत डिफरेंस है आप इसमें से समझोगे और लर्न करोगे डिरेक्टली इसमें से अगर आपने करना चालू कर दिया आधे तो कॉन्सेप्ट समरी है तो एक तो हम लोग गजनी इफेक्ट है <laughs> <laughs> और उम्र से अगर इसमें से किया तो क्या मार्क्स मिलेगा आपको दस पंद्रह बीस पे लटके रहोगे आप तो ये रिस्क लेना ही नहीं है इट इज़ नॉट अ रिस्क वर्थ टेकिंग कभी भी देखो अच्छा तो यही लगेगा कि हम इसमें से पढ़े बट अब सवाल ये है हमें अच्छा लगाना है अभी या हमें अच्छा तब लगाना है जब हमारा रिजल्ट आएगा आप समझो बात को इट्स अ बिग डिफरेंस क्लासेस में समरी में से पढ़ा के मैं भी खुश हूँ आप भी खुश हूँ तो मेरी भी बैच पंद्रह दिन जल्दी खत्म हो जाएगी आप भी मजे करो मैं भी मजे करूँगी ऐसी वो बात है ना बट अरे ये एक्स्ट्रा एफर्ट अगर हमने नहीं लिया प्लस वन तो हम भी तो वैसे ही भीड़ में खो जाएंगे क्या रिजल्ट आता है इंटर में आप ही बताओ कितना आता है फाउंडेशन की बात नहीं कर रही मैं इंटर की बात कर करू बताओ अगर इंटर में से तीस हजार बच्चे पेपर देते हैं आप बताओ कितना रिजल्ट आता है अच्छा परसेंटेज वाइज बताओ नंबर नहीं तो देखो नहीं ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट फाउंडेशन का आता है इंटर का नहीं आता है इंटर का कितना आता है 10 15. हाँ टेन टू फिफ्टीन इज मैक्सिमम बारह से ज्यादा नहीं होता है गोन आज डेज एक बीच में फेज था भर भर के बच्चे पास हो रहे सच में हर दूसरा पत्थर के सीए बच्चे पे गिरेगा ऐसा हो रहा था ऐसा हो रहा था आपने देखा नहीं रहा अभी वो फेज चले गए इंस्टीट्यूट अब स्पेशली बो, जब बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर बदले अब पैटर्न देखो कितना बदल रहा है इंस्टीट्यूट का अप्रोच देखो इंस्टीट्यूट कितनी विजिलेंट हो गई है क्या पेपर निकाल रही है पेपर निकालना छोड़ो रिजल्ट एकदम समय से निकाल रही है पहले ऐसा होता था कि समय जैसे आज बोला है रिजल्ट आएगा आज दोपहर तक हम वेट करेंगे शाम तक वेट करेंगे शाम को समझ में आएगा कल रिजल्ट आ रहा है अब उल्टा हो गया है इंस्टीट्यूट कहती है दो बजे रिजल्ट आएगा आ जाता है ग्यारह बजे सच में सो इंस्टीट्यूट बहुत मिटिकुलिस हो गई है जब से बोर्ड ऑफ स्टडीज बदली है आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ओल्ड कोर्स खत्म और सिर्फ नया कोर्स हमेशा कुछ अटेम्प्ट के लिए पैरली दोनों कोर्सेज रन होते थे आप लोगों के वक्त क्या हुआ है पुराना कोर्स टोटली वैनिश्ड वी आर ओनली डूइंग द न्यू कोर्स देर इज नो पैरल रनिंग ऑफ बोथ द कोर्सेज जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ इंटर तीन बार है सच में इंटर तीन बार हो रहा है इंस्टीट्यूट बदल रही है अपने आप को आपको भी इंस्टीट्यूट के हिसाब से बदलना पड़ेगा शॉर्टकट करके किसी का फायदा नहीं होने वाला है बिलीव में इंस्टीट्यूट ने अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई रेस कर लिए आप लोगों ने फाउंडेशन का पेपर दिया है उससे आपको समझ में आ चुका होगा सो थिंग्स आर नॉट टू बी दैट इजी ये समरी में से पढ़ाना मेरे लिए भी अच्छी बात है आपके लिए भी अच्छी बात है आप पूरे साढ़े तीन महीने खुश रहोगे फटाफट टॉपिक्स होते जाएंगे बट फिर रिजल्ट के वक्त अगर आपका स्कोर खराब आता है इससे क्या होगा इससे एक ही पर्सन दुखी होने वाला है और वो है आप सो वी डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन वॉट वी वॉन्ट इज वी वॉन्ट टू फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म गोल्स ये छोटी छोटी बातों से हमें कोई खुशी नहीं है इवेंचुअली यू विल कॉम्प्रोमाइज ऑन योर नॉलेज एंड नॉलेज इज अ थिंग विच इज गोइंग टू पे यू आप थोड़ी ना मजूरी वाला काम कर रहे हो आप लोग टू बी प्रोफेशनल्स हो रिक्शा नहीं चला रहे हो आप कि जितनी रिक्शा चलाई उतना पैसा मिलेगा चला रहे हो क्या रिक्शा नहीं आप कौन सा काम कर रहे हो दिमाग वाला आपको पैसा क्लाइंट क्यों देगा क्यों देगा आपके नॉलेज के लिए आपने जो पढ़ा है कल जाके अगर कोई क्लाइंट आता है और आपको बोलता है हमने एल एल पी इनकॉर्पोरेट की है और ऐसी दिक्कत आ रही है प्लीज हमें सोल्यूशन दो आप क्या बोलोगे एल एल पी ऑप्शन में छोड़ दिया था <laughs> अब हम पढ़ के आते हैं क्या ये जवाब आप दे पाओगे इसको मुझे तो आज आपने दे दिया मैम एल एल पी फाउंडेशन में ऑप्शन में छोड़ दिया बट क्या आप क्लाइंट को ये जवाब एल एल पी इज द स्वैग इन टूडेज डे प्रैक्टिकली अब कंपनीज का जमाना गया सोल प्रोप्राइटरी का जमाना गया पार्टनरशिप का जमाना गया आजकल एवरी बिजनेस मैन इज डूइंग बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ एन एल तो आप ये तो नहीं बोल पाओगे ना एल ऑप्शन में छोड़ दिया था पढ़ के आते हैं हम क्या आप है? ये बोल पाओगे वो भी आपको ऑप्शन में छोड़ देगा <laughs> वो बोलेगा हमारे पास भी दूसरे सी ए है हम आ जाते हैं उसके पास ही तो यू कैन नॉट डू दैट यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन वन थिंग एंड दैट इज द नॉलेज दैट यू आर गोइंग टू गेट तो इसलिए हम इस बुक से तो नहीं पढ़ने वाले हैं बट हां इस बुक से हम करने वाले हैं बहुत सारे रिविजन क्लास के साथ भी और क्लास के बाद भी तो इससे आपको रिटेंशन में रिविजन में लर्निंग में सब में आसानी होगी ऑफकोर्स मैं सब कुछ तो आपके लिए नहीं कर पाऊंगी आखिर लिखना आपको ही है बट अगर आपने मेरी कही गई बातों को फॉलो किया दिस इज माई पक्की गारंटी दैट यू विल स्कोर 60, 70 प्लस मार्क्स इन योर पेपर ऑफ लॉ ये मेरी पक्की गारंटी है प्रोविजो इंग एंड डूंग वट एवर आई एम सी मैं इसके लिए यह भी नहीं बोल रहा आप सोलह सोलह घंटे पढ़ो मैं खुद सोलह घंटे नहीं पढ़ती थी आपको क्या बोलू सच में मैं पढ़ती थी बारह या मैक्सिमम तेरह घंटे बट येस मोर देन द नंबर ऑफ आवर्स आई यूज टू फोकस ऑन हाउ क्वालिटेटिवली आई एम स्टडिंग तो मेरी क्वालिटी अच्छी थी मेरा तरीका सही था उसके वजह से जो है मुझे रिजल्ट मिला आप सोलह सोलह घंटे पढ़ रहे हो बट आपका तरीका ही गलत है जैसे आप अकाउंट्स पढ़ के पढ़ रहे हो सॉल्व करके नहीं कर रहे हो बताओ कितने भी घंटे आपने अकाउंट्स पढ़ लिया कि आपको रिजल्ट आएगा वो एक एडजस्टमेंट होगा ही ही आप अट को और इवेंचुअली आपका पूरा बैंड बढ़ जाएगा तो वो तरीका ही नहीं है अकाउंट्स को पढ़ने का वैसे ही लॉ का भी पढ़ने का एक तरीका है वो तरीका को अगर आपने रिस्पेक्ट किया और आपने फॉलो किया तो आपको रिजल्ट जो है वो पक्के है ठीक है पक्की बात और कुछ है जो आप लोग आज मैं कुछ ऐसे पढ़ाई चालू नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि इतने दिन बाद मिली मुझे सिर्फ ऐसे आपने देखा होगा मेरे मेरे चेहरे पे सिर्फ स्माइल आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई एम इन द क्लास आई एम टॉकिंग टू यू आई एम हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन ऐसे आई एम जस्ट हैप्पी दैट यू आर सो सीरियस अबाउट योर करियर मतलब मैं खुद को देख रही हूँ इस क्लास में एज ए स्टूडेंट के मैं भी आप में से ही एक हुआ करती थी बिकॉज आई वॉज नेवर दैट ब्राइट काइंड ऑफ किड के एकदम सुपर डुपर टैलेंटेड और एक बार पढ़ लिया और सब कुछ याद आ गया बट एक चीज़ मैंने ज़रूर की है दैट आई वॉज कंसिस्टेंटली हार्ड वर्किंग थ्रू आउट माई जर्नी तो मैंने इसे कभी पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है एंड आई थिंक दैट हैज गिवन मी गुड रिजल्ट थोड़ा बहुत तो अच्छा खासा कर ही रही हूँ एज एस ये ज़्यादा नहीं तो बट <laughs> तो ये चीज मैंने तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की टीचर ने जो बोला है उस चीज़ को मैंने फॉलो किया होमवर्क भी मैंने शिद्दत से किया एज अ स्मॉल किड जैसे अपने को स्कूल में बोलते थे ऐसे कभी ये एटीट्यूड नहीं आने दिया अरे फाउंडेशन फर्स्ट अटैम्प में क्लियर किया इंटर फर्स्ट अटैम्प में क्लियर किया फाइनल भी फर्स्ट अटैम्प में क्लियर कर ही दूंगी ऐसा वो एटीट्यूड कभी आने ही नहीं दिया फाइनल में भी जब मैं गई तब मैं ऐसे ही एटीट्यूड से गई कि आई एम अ वेरी स्मॉल किंडर गार्डन किड और मेरे को कुछ नहीं आता है जो भी है टीचर गुरु है सब कुछ है और उससे मुझे सब कुछ सीखना है और उसके जैसे बनना है और वो एटीट्यूड ने बहुत हेल्प किया क्योंकि बच्चे फाउंडेशन क्लियर करने के बाद ना वो पर निकल आ जाते हैं और फिर उसको ऐसा लगता है उसने कितना कुछ हासिल कर दिया है और मैं देखती हूं ना अपने आंखों से कि हुशार होशार बच्चा देखा है मैंने कि वो क्लियर नहीं करता है बट जो एवरेज वाला बच्चा है या जिसके बारे में हम सोचते हैं कि अरे ये तो फेल ही होने वाला है वो क्लियर कर देता है क्योंकि उसने फिर बैक एंड पे इतने एफर्ट्स लिए और उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया आप देखना अभी कुछ टाइम में आपका रिजल्ट आने वाला है महीने बर बाद आप देखोगे वो बच्चा जिससे कभी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो क्लियर होगा वो क्लियर हो जाएगा और जिसको आप लगता है अरे ये कि तो कितनी होशियार लड़की थी ये कितना होशियार लड़का था इसको तो ऐसे तीन सौ प्लस मिलने चाहिए थे 400 में से वो बच्चा या तो फेल होगा या तो वो 200 के आसपास पास होगा बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड सो दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस जितने हम्बल आप रहोगे ना उतना आपके लिए अच्छा है वो भूख ऐसे रहनी चाहिए आपको ऐसा लगेगा मैं मैं सब कुछ हूँ मुझे सब कुछ आता है मैंने बहुत भारी काम किया है उस दिन सब कुछ छीना जाएगा भगवान अगर आपको कुछ देता है भगवान आपसे वो ले भी सकता है ये चीज़ आप भूलना मत तो अगर आपको कुछ मिला है कुछ लोगों को ऐसे बहुत आ, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी बहुत ब्यूटीफुल दिखती थी बहुत मतलब एक्टर एक्ट्रेसेस क्या थे उसके सामने फीके पड़ जाते थे बट उसको उस चीज़ का बहुत घमंड था बहुत घमंड था मतलब नेक्स्ट लेवल और वो दिखाती थी अपने एटीट्यूड से बोलने से सब कुछ अनफॉर्चुनेटली शी मेट विथ एन एक्सीडेंट और उसका चेहरा खराब हो गया देन शी हैड टू गो विथ सम सर्जरीज उस दिन से मैंने ये चीज़ बहुत दिल से ले ली है कि ऑलवेज बी हम्बल फॉर वट एवर यू हैव भगवान कभी भी आपको वो कर्मा इफेक्ट बता सकता है आजकल भगवान भी इंस्टेंट एंड रील वाला हो गया है अगले जमाने तक नहीं रुकता अपने दादा दादी नाना नानी बोलते थे ना कि आज तो अगर गलत करेगा ना अगले जन्म में तेको उस चीज़ का फल भुगतना पड़ेगा आजकल भगवान भी इंस्टेंट हो चुका है भगवान का भी पेशेंस कम हो चुका है एक मिनट से ज्यादा नहीं है डेढ़ मिनट से ज्यादा ले इसी जन्म में तुझे तुरे कर्मों का जो है ना वो फल देने वाला है इसी जन्म में वो औकात याद दिलाएगा बेटा रुक तू ये याद है तूने ऐसा किया था ना अब देख तू वैसी वो बात है सो डोंट लेट दैट एटीट्यूड गेट ओवर यू जस्ट बी हम्बल वट एवर यू यू आर डूइंग इन लाइफ वट एवर यू आर अचीविंग इन लाइफ दैट हम्बलनेस विल ऑलवेज गेट यू गुड थिंग्स वो एटीट्यूड मत आने दो नहीं तो वो आपको गिराने ही वाला है कभी ना कभी कहीं ना कहीं कही। ऐसी वो बात है और कुछ है जो आप लोग पूछना चाहते हो मुझसे एनी थिंग मैम फेल हो गए तो क्या या क्लियर हो गए तो क्या अब हमने प्री रिजल्ट ज्वाइन कर लिया है तो अब क्या होगा कुछ भी आप पूछना हाँ क्वेश्चन बैंक नहीं मिलेगी क्या हां राइट वेरी गुड मिलेगी ये क्वेश्चन बैंक है हमारी मिनट वर्चुअल किड्स के लिए जस्ट ओपन इट फ्रॉम योर तो अगर आप ये क्वेश्चन बैंक देखते हो इट्स गुड क्वेश्चन बैंक इट कवर्स लास्ट दस सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लास्ट दस सालों के आर और आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस ऐसे तो करके इस बुक में देर आर 300 से भी ज्यादा हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और एंड में 100 से ज्यादा केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन तो आप बोलोगे व्हाट अबाउट द वन लाइनर एमसीक्यू क्वेश्चन वो नहीं करवाओगे क्या वो कैसे ऐसे होगा नहीं करवाओगे वो तो 22 से 25 मार्क्स तो मुफ्त के है उसके लिए हमें ग्रुप बनाते हैं एक टेलीग्राम का ग्रुप लूसिव एमसीक्यू ग्रुप एंड एवरी डे देर आर टू एमसीक्यूज दर पोस्टेड ऑन द ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन ऑफ द क्लास जब से मैं पढ़ाना चालू करूँगी आज तो पढ़ाया नहीं है बट स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन टिल एंडिंग ऑन द अकाउंट पेपर का दिन और लॉ का पेपर का दिन तो आपका उस ग्रुप के द्वारा एक हजार से भी ज्यादा लास्ट बैच में पंद्रह सौ क्वेश्चन हमारे हुए थे एम सी क्यू वन लाइनर ठीक टेलीग्राम में देयर इज वर्ड की की लिमिट तो वो वर्ड की की लिमिट की वजह से मैं ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको नहीं दे पाती हूँ इसलिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ से करेंगे और वन लाइनर पंद्रह सौ से भी ज्यादा आप करने वाले हो थ्रू दिस पर्टिकुलर ग्रुप तो एंड टू एंड होगा और देखो ऐसी कुछ मेरी क्वेश्चन बैंक है इट्स एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ सी फाउंडेशन जैसे ये चैप्टर है ये चैप्टर का ये तो पिछले अटेम्प्ट का है तो अभी तो आगे ये भी आएगा नवंबर 2022 और 2023 का भी आएगा ये पिछली वाली बुक है अगर आप देखोगे uh, हर चैप्टर के पहले इज अ एनालिसिस कि इस चैप्टर मतलब कंपनीज एक्ट में आपको 11 चैप्टर्स हर 11 चैप्टर का भी एनालिसिस दिया है मैंने कि ये चैप्टर में से इंस्टीट्यूट ने पिछले ये अटेम्प्ट में से कितने मार्क्स के सवाल पूछे हैं और प्लस उसके नीचे मैंने कुछ क्यू आर कोड दिए हैं ये क्यू आर कोड इज द क्यू आर कोड फॉर द डिटेल्ड रिविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो अब जुलाई में आपका अटेम्प्ट कब है अगले साल के मे में हो सकता है उस बीच आप कुछ चीजें भूल जाओ कुछ टॉपिक भूल जाओ कुछ चीजें आधी आधी याद है आधी याद -आध नहीं है कुछ डाउट आ जाए तब ऐसे केस में इस क्यू आर कोड को आप स्कैन करके डिटेल्ड नॉट मैराथन रिविजन है डिटेल्ड एक एक सेक्शन सब-सेक्शन क्लॉस सब क्लॉस का रिविजन है ये क्यू कोड मैराथन तो हमारे हर अटेम्प्ट के लिए होते ही रहते हैं तो आपके लिए भी होगे स्पेशली फॉर मे अटेम्प्ट आरटीपी का होगा स्पेशली फॉर मे अटेम्प्ट वो तो हम बाद में लेंगे बट ये क्यूआर कोड है तो अगर सपोज आपने जुलाई में कंपनी से फर्स्ट दो चैप्टर्स आपके हो गए जुलाई में और अब आप डायरेक्टली फेब में फर्स्ट दो चैप्टर्स ले रहे हो क्योंकि फिर आपका जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर ग्रुप वन क्लासेस हुए दिसंबर जनवरी फेब में आपका ग्रुप टू क्लास हुआ फिर अभी आप ये वापस से लेके बैठे हो तो हो सकता है इतना बड़ा गैप है ब्रशिंग अप ऑफ नॉलेज करना है क्यू कोड स्कैन कर लिया डिटेल रिविजन से सारा चैप्टर आपको ऐसा लगेगा मैम ने अभी पढ़ा है अभी वो रिविजन है और प्लस एग्जामिनेशन के एक दिन पहले इस चैप्टर को कितने घंटे चाहिए वो मैंने यहां पे दिए हैं एलडीआर इज लास्ट डे रिवीजन तो घड़ी के कांटे के हिसाब से अच्छा अभी पौने तीन बज रहे हैं दो घंटे के अंदर मेरा ये चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए पौने पाँच तक मेरा यह चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए ऐसा आई बात समझ में ऐसी मेरी पूरी क्वेश्चन बैंक हर चैप्टर के लिए मैंने ऐसे किया है देखो ये जनवरी ट्वेंटी वन का क्वेश्चन है ये जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन का क्वेश्चन है ये दिसंबर ट्वेंटी वन का क्वेश्चन है ऐसे मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू का क्वेश्चन है आरटीपी का आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है दिख रहा है आपको ये आर का क्वेश्चन है ऐसे सब कुछ हमने डाला है और ऐसे हाँ और प्लस हमने ये कुछ मोटिवेशनल कोर्स भी डाले हैं हर चैप्टर के बाद और हर चैप्टर के पहले ये देखो ये चैप्टर को अगर आप देखोगे कम से कम पांच मार्क का तो सवाल इंस्टीट्यूट ने पूछा ही है एक अटैम्प में तो इंस्टीट्यूट ने बीस मार्क के क्वेश्चन एक ही चैप्टर में से पूछे है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने चैप्टर वाइज वेटेज नहीं डाला है ना सिर्फ बोला है कॉर्पोरेट लॉस सेवेंटी मार्क्स एंड अदर लॉस थर्टी मार्क्स अंदर के अंदर इंस्टीट्यूट कितना भी खेल सकता है इसीलिए ये बुक आपको हेल्प नहीं करेगी सोचो so, आप ये अटेम्प्ट के बच्चों का क्या हुआ होगा जिसने चैप्टर फोर ऑप्शन में छोड़ा होगा सोच so, लो आप ही पूरी बैंड वर्जी होगी सो दिस इज नॉट गुड टू सॉल्व द पर्पस दिस इज ओनली गुड फॉर रिविजन ऐसी बात है है ना क्वेश्चन बैंक का अच्छा हो आपने याद दिलाया उसमें से कुछ क्वेश्चंस के हम क्लास में राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे कुछ आपको होमवर्क के लिए देंगे बट सारे 300 क्वेश्चंस हम डिस्कस जरूर करेंगे डिस्कशन हर एक क्वेश्चन का होगा ठीक है मैम हम लोग पास तो हो जाएंगे ना हम तो यही उम्मीद करते कि हम आपको इंटर में देखना चाहते हैं फाउंडेशन के रिविजन सेशन में नहीं आई प्रे फॉर यू मैम मे में दोनों ग्रुप का पेपर हां ये चीज है प्लीज आपका अटेम्प मे में है यू हैव मोर देन सफिशिएंट टाइम ओनली प्लान फॉर बोथ द ग्रुप्स आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही mm. नहीं आपको स्कूल में कभी चॉइस था हिस्ट्री नहीं दिया तो चलेगा जोग्राफी नहीं दिया तो चलेगा साइंस को छोड़ ही देते हैं ऑप्शन था मतलब बाय हुक और क्रुक क्या आपने हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी इकोनॉमिक्स साइंस मैथ सब कुछ किया था वैसे ही आपको छः के छः सब्जेक्ट्स करने हैं आपके पास ऑप्शन ही नहीं है सो गिविंग ओनली वन ग्रुप इज नॉट एन ऑप्शन आपको दोनों ग्रुप करने हैं और दोनों ग्रुप देने हैं मैं 2025 में ऐसा ही सोच के चलना है ऑप्शन अगर आया तो आपका दिमाग फिसलने वाला है तो आपको यही बोलना है आपके दिमाग को मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है मुझको ये अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप्स देने ही है कंपल्सरी क्योंकि आपकी आर्टिकलशिप तब तक चालू नहीं हो सकती जब तक आप दोनों ग्रुप्स नहीं देते और सेट ऑफ का एडवांटेज भी नहीं मिलेगा जब तक आप दोनों ग्रुप्स नहीं देते समझ रहे आप तो ऑप्शन ही नहीं है मैम व्हाट अबाउट डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स देखो डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बताती हूं कि आप लोगों को कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए आउट ऑफ सिक्स डायरेक्ट डायरेक्टी स्टूडेंट्स सिर्फ दो ही पेपर्स है कुछ भी नहीं आता ना कॉस्टिंग टैक्स कुछ भी नहीं आता सारे पेपर उनके लिए नए है तो वो चार सब्जेक्ट का तो आपकी और उनकी स्टार्टिंग लाइन सेम ही है सिर्फ दो पेपर है एक अकाउंट्स और दूसरा लॉ बट लॉ में आप लोगों के जो बेसिक प्रोविजन है आप लोगों ने बी कॉम में किए हो गए जैसे कि कंपनीज एक्ट किया है जिन्होंने बी कॉम आप लोगों से हम बात करें कि आपका कंपनीज एक्ट का कुछ बेसिक हुआ है हुआ है और एल एल पी का अगर हम आप चाहते हो एल एल पी के जो फाउंडेशन के बेसिक लेक्चर्स है वो हम आपको दे सकते हैं अदरवाइज ऑन यूट्यूब अनलिस्टेड वो आप देख लेना एज अ बेसिक प्रोविजन ताकि आप इंटर में ओके हो बट वैसे जब मैं पढ़ाती हूँ मैं एकदम ग्रास रूट लेवल से ही पढ़ाती हूँ तो आपको ऐसा कभी लगेगा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है या कुछ दिक्कत है बट बिफोर द रिजल्ट वॉट आई कैन डू इज जब हम एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगे तब मैं आपको मैसेज डाल दूंगी ग्रुप पे और मैं आपको एलएलपी के लेक्चर्स डाल दूंगी क्योंकि प्री रिजल्ट बैड सैटरडे संडे नहीं होती है तो सैटरडे संडे में आप एल एल के लेक्चर्स देख लेना इज इट ओके विथ एवरी और आप कंपनीज एक्ट के भी बेसिक लेक्चर्स देखना चाहते हो फाउंडेशन के वो भी हम दे देंगे डोंट वरी ठीक है तो क्या हो जाएगा यू विल बी एट द सेम लेवल एज द फाउंडेशन किड्स आर तो दैट विल बी मैनेज उसके अलावा तो किसी और चीज में दिक्कत नहीं आनी चाहिए ठीक है सेट ऑफ का क्या मतलब होता है देखो इंडिविजुअली हर पेपर में आपको 40 40 40 40 40 चालीस मार्क्स चाहिए होते हैं बट ओवरऑल आपको पास करने के लिए यहां पे डेढ़ सौ और यहां पे डेढ़ सौ तीन सौ मार्क्स आउट ऑफ सिक्स हंड्रेड चाहिए होते हैं तो अगर आपको फोर्टी 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 मिल गए ग्रुप वन के पेपर में इंडिविजुअली तो आप पास हो गए बट आपका ग्रुप क्लियर नहीं होता है क्योंकि आपको 40 40 40 मतलब 120 मार्क्स मिले हैं बट आपको चाहिए कितने 150 फिफ्टी बट अगर आपने दोनों ग्रुप साथ में दिए हैं और से आपका ग्रुप में 60 60 60 आया मतलब कितना हो गया 180 मार्क्स और यहां पे 120 मार्क्स ऐसे करके आपके 300 मार्क्स हो गए छह में से आपको क्लियर बोथ ग्रुप्स क्लियर और माना जाएगा आपका सीए इंटर क्लियर हो चुका है मतलब यहां के टेन 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 थर्टी मार्क्स यहां के टेन 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 को सेट ऑफ कर लेते हैं एडजस्ट हो जाता है तो ये एडवांटेज कब मिलता है आपको ओनली आफ्टर गिविंग बोथ एक ग्रुप तो आर्टिकलशिप का फायदा होता है क्यों क्योंकि आर्टिकलशिप जितनी जल्दी चालू होगी उतना आपका जल्दी फाइनल होता है यू नॉट स्टार्ट विथ योर आर्टिकलशिप अंटिल एंड अनलेस यू क्लियर द ग्रुप्स सेकेंड फायदा बिग फोर्स या मिड साइज फर्म्स वही बच्चे को लेती है जिसके दोनों ग्रुप्स फर्स्ट अटैम्प में क्लियर होते हैं क्योंकि उनके पास ऐसे थप्पी भर भर के रेज्यूमे हैं अगर आपने एक ग्रुप मे में क्लियर किया और दूसरा ग्रुप सितंबर में क्लियर क्लियर किया है यू विल ऑलवेज बी द नेक्स्ट ऑप्शन फॉर दीज बिग फोर्स एंड दीज मिड साइज फॉर्म सो यू डोंट वांट दैट टू हैपन टू यू एंड थर्ड सेट ऑफ का एडवांटेज सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता है जो दोनों ग्रुप्स क्लियर करते हैं और फोर्थ इफ यू आर

मैम सो मच ऑफ कंफ्यूजन दैट शुड आई गो फॉर इंटर और शुड आई रिवाइज फाउंडेशन आई थिंक अगर आपको ऐसा लगता है थोड़ा भी लगता है कि मेरे पेपर ठीक ठाक ही गए हो गए अच्छे गए तो सवाल ही नहीं होता है बट ठीक ठाक गए हो गए और वो इंस्टिंट आपकी कहती है कि मैं क्लियर कर दूंगा

तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर वट यू फील एस और थोड़ा डाइसी लग रहा है तो फिर आई थिंक गो फर विथ इंटर का पढ़ाई वेस्ट तो कभी नहीं जाएगा ये नॉलेज वो चीज है ग्रुप वन कंप्लीट करके एग्जाम दे सकते हो और फिर वो एग्जाम देने के बाद ये सब ग्रुप टू चालू कर सकते हो नॉट अ प्रॉब्लम बट वाई वेस्ट टाइम प्लान फॉर बोध दो ग्रुप इन मे क्योंकि मे के पहले तो आप दे ही नहीं सकते हो ना మేకే పలే అప్ దే హి న సక్తే హో ఫిర్ హో జాయేగా మేయర్ సెప్టెంబర్ నా బహత్ లేట్ హో జాయేగా అఫి సెప్టెంబర్ కా రిజల్ట్ కబ్ ఆయేగా నవంబర్ మే నవంబర్ ఎండ్ మే ఫిర్ ఆర్టికల్ షిప్ చાલુ కరోగే తో ఆప్కా సిఏ ఫైనల్ బి లేట్ హో జాయేగా మత్ కరో ఐసా వాట్ అబౌట్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఫర్ డైరెక్ట్ ఎంట్రీ స్టూడెంట్స్ టాటా బై బై సీ యు కయా బేటా वो है ही नहीं अभी मत करो अभी उसको करने की जरूरत ही नहीं है हाउ टू गेट आर्टिकल पिन बिफोर बेटा अभी इंटर तो क्लियर कर लेते हैं ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाते वो ऐसा हो जाएगा ये भी चाहिए, भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए और कुछ नहीं मिलेगा अभी जो सामने टारगेट है उस पर अपन फोकस करते हैं है ना ठीक है अगर बहुत सारे सवाल अपन एक काम कर सकते हैं ना अपन जूम मीटिंग रख सकते हैं ना ऐसा कुछ करते हैं अपन क्या कर लेंगे कल शाम की अपन जूम मीटिंग रखते हैं और कल जब मैं आफ्टरनून में लेक्चर शुरू करूंगी ना मैं वो जूम मीटिंग की लिंक दे देती हूँ कितने बच्चे पाँच कर पाएंगे क्या जूम मीटिंग के सौ कर सकेगा ना हाँ ठीक है पाँच की कैपेसिटी होती है जूम मीटिंग की एक घंटे का सेशन अपन ले लेते हैं तो अगर आपको लग रहा है बहुत ही सवाल है एक बार कल तो हम लेक्चर चालू करने दो तो आज कुछ, कुछ कंटेंट किया नहीं कर तो लो मेरे को लगता है आपसे मैनेज हो जाएगा फिर भी अगर कुछ सवाल है तो फिर हम लोग कल शाम को जूम मीटिंग पे मिलते हैं आपके जितने सवाल है मेरे को पूछ लेना मैं कभी मना नहीं करूँगी आई ऑलवेज एनकरेज द क्वेश्चन ठीक है चलो मजे करो आज बाय बाय थैंक यू सो मच नाइस टू सी यू ऑल सी यू टुमारो कल हम लोग एक्ट की शुरुआत कर लेते थे कंपनीज एक्ट की